नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अब आईसीएसई बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं कक्षा के एग्जाम स्थगित कर दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने कहा कि जून के पहले हफ्ते में नई तारीखों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, आईसीएसई और आईएससी कक्षाओं के थ्योरी एग्जाम 4 मई 2021 से शुरू होने वाले थे। सीआईएसई से पहले सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा रद्द कर चुका है और 12वीं की परीक्षा स्थगित हो चुकी है। सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी करेगा, जबकि 12वीं की परीक्षाओं का फैसला 1 जून को लिया जाएगा। सीबीएसई के फैसला लेने के 2 दिन बाद ही अब आईसीएसई बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। इसके अलावा तेलंगाना बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ओडिशा, यूपी, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र बोर्ड ने भी कोरोना के चलते अपनी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। हरियाणा बोर्ड ने सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं की परीक्षा रद्द कर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट निकालने का फैसला किया है। वहीं पंजाब ने 5वीं, 8वीं और 10वीं की परीक्षा नहीं लेने का फैसला लिया है। पंजाब में बिना परीक्षा लिए ही 5वीं, 8वीं और 10वीं के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।